नेक्स्ट है मनरूप कौर जी, आपका मैंने जवाब पिछली वीडियो में दे दिया है। सर एडिशनल पेपर दी लास्ट डेट पोर्टल ओपन हो गए। एडिशनल पेपर केड़ा, बीएड की बीएड दा? हजे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर उदी 16 दे करीब है फॉर्म फिल होने शुरू होने, और पटियाला दी 10 11 12 तो नोटिफिकेशन आना सी, हजे मैं पूछा है आया नहीं है। ते पंजाब यूनिवर्सिटी अज फोन किया सी, उत्थे भी पूछा सी, वो कहंदे ने कि इस महीने दे विच विच आना है, अंत विच भी आ सकता है, लास्ट वीक दे शुरू विच भी आ सकता है। सो हजे कोई डेट नहीं है, दो चार दिन होर वेट कर लो, मैं पा देंगा डेट दा वीडियो। हेलो सर, मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, गुरु नानक देव आपका भी जवाब दे दिया सर, तुहाडा नंबर नहीं मिलिया, हा 9872978981 ओके, मेरा है 8423 8427 4588 43। आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं। ओह माय गॉड, इतने गुड इवनिंग सर, मार्क्स 6-7 दे बीएससी दे हो गई गल, ये भी हो गई गल, थोड़ी भी हो गई गल, हाई कितना प्यारा बच्चा वे सर। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, बीएड वाले प्राइमरी टीचर केवीएस के लिए एलिजिबल नहीं रहे, क्या बीएड वाले सीटेट टीटेट लिए एलिजिबल होंगे? यस, आप टीईटी, गुड क्वेश्चन यार, जिसने भी पूछा, ये बच्चे ने पूछा, इसका थैंक यू करना। अच्छा, टीईटी के लिए आप एलिजिबल हो, टीईटी में दो पेपर होते हैं, पेपर वन और टू। पेपर वन है 1-5 क्लास के लिए टीचर बनने के लिए, एलिमेंट्री टीचर, प्राइमरी टीचर, और पेपर टू है 6th से 10th तक या 8th तक के लिए एलिजिबिलिटी, तो वो आप फिल कर सकते हो, फिल करने में कुछ नहीं जाता, ये तो आपने देना ही देना है ना। तो कई नहीं भी दे रहे सर, हाई कोर्ट दी तरफ से बीएड कोर्स रिगार्डिंग न्यू डिसीजन। अच्छा, समवन यू लाइक, ओके, कुछ लाइक किया, वाओ। हाँ, मैं वो न्यू डिसीजन देख लेता हूँ कौन सा है, हाई कोर्ट का डिसीजन आया है रिगार्डिंग बीएड कोर्स। लैंग्वेज सर जनरल पंजाबी पढ़ी है तो कोई एडिशनल देना पड़ेगा? यस, इलेक्टिव पंजाबी का देना पड़ेगा। सत श्री अकाल सर जी, सत श्री अकाल जी, मैंने बीए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट इंग्लिश पंजाबी इलेक्टिव पंजाबी इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है, ठीक है जी। ये आपने इलेक्टिव पढ़ा है, इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है, ये वाला नहीं छोड़ना, ये आपका बेस्ट है, क्योंकि आपका इसके लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, अगर एमए कर ली है ना तो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो गए, ये बात है, इसलिए इसको नहीं छोड़ना। अब दूसरा, क्योंकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हो तो आपको इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स ही मिलेगा, एक बन गया आपका इकोनॉमिक्स और पंजाबी, इकोनॉमिक्स मेजर पंजाबी माइनर, दूसरा बन गया फिजिकल एजुकेशन एंड पंजाबी, ये दो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बनते हैं। अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी आला या पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जाना है तो इकोनॉमिक्स के साथ की जगह पर आपको एसएसटी मिल जाएगा, लेकिन एक हिस्ट्री का मिनिमम आपको बीए का एडिशनल पेपर देना पड़ेगा, बीएड के साथ भी, बीएड के बाद भी कभी भी दे सकते हो, वो यूनिवर्सिटी के मुताबिक होगा। तो ये एडिशनल पंजाबी यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी में एडिशनल आपको मिल सकता है, बाकी आपका सेम है, वहाँ भी इकोनॉमिक्स पंजाबी भी मिल सकती है, फिजिकल एजुकेशन पंजाबी मिल, पंजाबी नहीं छोड़ना, दिस इज़ योर बेस्ट, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट कम होती है, और इकोनॉमिक्स के लिए आपको पीजीटी के लिए जाना पड़ेगा, और कम पोस्ट कभी नहीं भी निकलती तो, और एमए भी करनी पड़ेगी, तो ये आप अपने मुताबिक देख सकते हो कि आपकी नॉलेज और इंटरेस्ट किस में है। मुस्कान पूछ रहे हैं, मैंने बीए में सोशियोलॉजी कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये होगी बात रजे, आप दूसरा वीडियो देख लीजिए। हेलो सर, मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के, गुरु नानक देव जी ये भी हो चुकी है, ओए कितना सोना मुंडा, ओए सर मेरे कोल बीएच हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, मेरा कॉम्बिनेशन की बनूंगा जी? मैंने जवाब दे दिया है, फिर भी दे देता हूँ, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, हिस्ट्री पॉलिटिकल है, तो ये एसएसटी है बेस्ट, टीजीटी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, साथ में फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगी, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी टीजीटी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, लेकिन फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट कम होती है, अगर आप पंजाबी या इंग्लिश साथ में लेना चाहते हो इसके बिना, इसके साथ पंजाबी या इसके साथ इंग्लिश लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन पंजाबी या इंग्लिश का आपको एडिशनल इलेक्टिव का 3 साल का जो 2 सेमेस्टर में हो जाएगा बीएड के साथ भी बीएड के बाद भी वो दे सकते हो। वैसे पिछला जवाब मैंने आपका दिया है, 2 बार जवाब दे दिया। सर मेरी एक ही कॉलेज प्रेफरेंस है DSW, फिर फिरोजपुर, 82 मार्क्स है, सो
मैं एक ही कॉलेज फिल किया वा फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, डोंट वरी सर। मैंने ग्रेजुएशन विच मैथ इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है, क्या क्या पढ़ लिया, मैथ बेस्ट है आपका क्योंकि TGT के लिए एलिजिबल हो आप, ओके, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, सीधा एडिशनल नहीं देना पड़ेगा। हाँ, मैथ के साथ आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स ही जब MA कर लोगे, की तो नहीं हुई आपने MA, कॉलेज वाले ने अपना यार पहला भी आया हुआ, कितनी बार ये जवाब दे देता, मैं सर जी आपका पहले भी जवाब दे चुका हूँ। सो इकोनॉमिक्स के लिए आपको MA करनी पड़ेगी, फिर PGT के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, है ना। तो मैथ के साथ फिजिकल एजुकेशन नहीं होगी। तीसरा, आप लैंग्वेज सोच सकते हो, लेकिन पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें डिटेल में आपके बारे में बता दिया है। सर प्लीज़ दस दो, बहुत कमेंट करिए, प्लीज़ दस दो, प्लीज़ BA विच जनरल पंजाबी इंग्लिश हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पब्लिक एड सोशियोलॉजी इन्ना कुछ पढ़ लिया। हाँ, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, हाँ ये साढ़े सोशल साइंस ही बनती है, SST बन गया, SST के नाल तुहानू लैंग्वेज लैनी पैनी है, जां इंग्लिश जां पंजाबी। इंग्लिश ते पंजाबी दा तुहानू एडिशनल पेपर देना पैना है 3 सालां दा, 2 सेमेस्टर च हो जाएगा, नाल भी दे सकते हैं, बाद भी दे सकते हैं। MA BA MA दोनों पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो है, मेरी SST पंजाबी दा कॉम्बीनेशन वधिया रहेगा। हाँ बिल्कुल, SST पंजाबी बिल्कुल ठीक है, पंजाबी दा एडिशनल पेपर दे दियो राजे, एडिशनल 3 सालां दा, डेट आने वाली है, 2-4 दिनों विच फॉर्म आ जाने हैं, काइंडली उसनों भर दियो, जे क्लैश हुंदा है जिम्मेवारी तुहाडी है। नैक्सट है, हैलो सर, मैं BA विच हिस्ट्री इलेक्टिव पंजाबी एप्लीकेशन MA। एक तुसी फिर दोबारा हो आ गए आए वाले ने, रजनी ये क्या गल बनी। हैलो सर, मैं BA विच हिस्ट्री इलेक्टिव पंजाबी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, MA पंजाबी की है, मेरे लिए TET बेस्ट लिए की कंबीनेशन है, जे मैं एक्सट्रा पेपर ना देना पवे ऑल स्टडी गुरु नानक यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये भी जवाब दे चुका हाँ थोड़ा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से तुहाडा हिस्ट्री ते पंजाबी ही बेस्ट बनता है, दूसरा कंप्यूटर साइंस ते पंजाबी बेस्ट बनता है, पंजाबी नहीं छड़नी, TET लई तुसी एलिजिबल हो, जे MA इंग्लिश पंजाबी कर लेंदे हो PGT लई भी एलिजिबल बन जाते हो, MA की है तुसी PGT लई, ये बेस्ट तुहाडा कॉम्बीनेशन पंजाबी ही है, बाकी तुसी चूज़ कर सकते हो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो बाहर जाओगे तो तुहानूं SST भी ST दे नाल मिल जाऊगा, पर एडिशनल पेपर देना पेगा। वाह सर, करता ना फिर उही, ओ यार सॉरी यार गलती हो गई। सो ये क्वेश्चन सन, थैंक यू।